हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कंचन कुमारी और आपका स्वागत है कंचन कुमारी किचन चैनल में। आज का रेसिपी लेकर आई हूं आलू का चोखा बनाकर लोई और रस वाला सब्जी, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाने के लिए। आलू मैंने उबाल लिए हैं और आलू का छिलका हम अच्छी तरह से निकाल लिए हैं। इसमें हमें अब स्वादानुसार नमक डालेंगे, मिर्ची पाउडर डालेंगे, जीरा, धनिया पाउडर, मीट मसाला, हरी धनिया पत्ता, बारीक कटी हुई प्याज, सबको हम एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हरी मिर्ची, आलू का चोखा बना लिए हैं, इसका हम छोटा छोटा लोई बनाएंगे इस तरह से। चोखा का लोई बना लिए हैं, गैस को जला लिए हैं। इसके ऊपर हम अपन पैन को डाल दिए हैं। अपन पैन गर्म हो गया, इसमें लोई बनाया हुआ डाल देंगे, बारी बारी से डालते जाएंगे। सारा लोई को हम डाल दिए हैं और इसके ऊपर से हम ढक्कन डाल देंगे। 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गया है, अब हमें ढक्कन को निकाल लेना है और इससे हमें पलटा लेना है। सारा लोई को हम पलटा लिए हैं, हम दोबारा ढक दिए थे, हमें अब ढक्कन निकाल कर देख लेना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से फूल गया है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए हमारा अच्छे से लोई देखिए पक गया है। इसी का हम आज रेसिपी सब्जी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी। कढ़ाई को हम गैस पर चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें हम तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो गया, इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा अच्छी तरह से पक गया है, इसमें तेज पत्ता डाल देंगे और छोलनी से चला लेंगे। बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। छोलनी से प्याज को चलाएंगे, प्याज जब तक गोल्डन कलर नहीं हो जाता है तब तक हमें चलाते रहना है। प्याज गोल्डन कलर हो गया, इसमें हमें अब मसाला को डाल देंगे। लहसुन, मिर्ची, हरी मिर्ची, जीरा, मिक्स मसाला, धनिया पाउडर, मीट मसाला, गरम मसाला, सबको एक साथ मिक्स कर लिए हैं और स्वादानुसार नमक भी डाल दिए हैं। कढ़ाई में हमें अब डाल देना है। मसाला को हम अच्छी तरह से भूनेंगे।
मसाला देखिए अच्छी तरह से भुना गया है, इसमें हमें अब डाल देना है आलू उबाला हुआ। आलू को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं, हमें अब कुछ देर के लिए ढक देना है कढ़ाई से, ढक्कन से ढक देंगे, ढक्कन को निकाल लेंगे अब और इसे हम छोले सारे चलाएंगे। देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें हमें अब पानी डाल देंगे, आप अपने अनुसार से पानी डाल सकते हैं, हम सब्जी चावल के लिए पानी डाल रहे हैं इतना। दो से तीन मिनट के लिए ढक देंगे। ढक्कन को निकाल लेंगे अब। देखिए सब्जी उबलने लगा है। इसमें हमें अब जो लोई बनाकर रखे थे फ्राई करके, इसे हम डाल देंगे। देखिए सब्जी बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो कंचन कुमारी किचन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ऐसी ही रेसिपी पाने के लिए।